नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। में हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे सियासत के रण की, और इस रण से पहले नेता टिकट के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। कुछ टिकट की आस में पार्टी बदल रहे हैं तो कुछ टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बस सरकार में जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल टिकट न मिलने से नाराज हुए, बीजेपी से नाता तोड़ दिया है उन्होंने। और वहीं दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, और उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सामने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं नागौर विधायक हबीबुर रहमान ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। हबीबुर रहमान ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वे बिना किसी शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस से उनका पुराना नाता रहा है, घर वापसी की तरह वो इसे देखते हैं। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं कुछ नेताओं के बयान जो दल बदल चुके हैं। कुछ ऐसे नेताओं के बयान जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और जल्द ही किसी दूसरी पार्टी के साथ वो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, आज क्या वजह रही कि आपने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया? घर आने की कोई वजह होती है? आदमी अपने घर कभी भी आ सकता है, बिना शर्त आ सकता है। घर में आने का कोई होता है? आप घर छोड़ कर भी गए थे, परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियां दुरुस्त हो गई। कह रही है चुनावी सीजन है, इसलिए आपको लग रहा है कि सत्ता में रहने की आपको आदत है और इसीलिए आप कांग्रेस आ गए हैं, क्योंकि लग रहा है एंटी इनकमबेंट से बीजेपी को। कोई कुछ भी कहे, आपके पक्ष में जो लोग होते हैं पक्ष में बोलते हैं, विरोधी लोग विरोधी बोलते हैं, फैसला जनता करती है। राहुल गांधी कहते हैं पैराशूट कैंडिडेट्स को वो जो है इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अभी आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो क्या सोच करके दूसरी पार्टी से आए हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया 5 साल चुनाव? मैं तो कोई शर्त ही नहीं रख रहा हूँ, और प्रक्रिया से अभी गहल साहब ने बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी परिस्थिति होगी भरेंगे और क्या करना क्या नहीं करना वो 17 तारीख के पहले 17 तारीख को जो भी परिस्थिति होगी भरेंगे और क्या करना क्या नहीं करना वो 17 तारीख के पहले वाले। तो ये जो अहम बातें उन्होंने कही जिससे उन्हें ये लगता है कि बिना शर्त के वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और इस चुनावी समय में ऐसे में बिना शर्त कोई अगर नेता दूसरी पार्टी में जा रहा है तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये एक नेता का बयान है। जी हाँ, ऐसे नेताओं के भरोसे आखिर कब तक पार्टियां रहेंगी? कुछ ऐसे अहम सवाल जिन पर हम नजर डालें और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से जो कि जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। और क्या दल बदलू नेताओं को जनता द्वारा ठुकरा देना चाहिए? क्या ऐसे दल बदलू नेताओं को जनता सजा देगी? अब ये विषय चर्चा का तो है और इस बारे में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से जो कि जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा का दौर शुरू होने से पहले एक परिचय आपसे हम कराएंगे अपने खास मेहमानों का। और ये एक बात ऐसी जो कि अक्सर चुनावी समय में देखने को मिलती है, और नाराजगी होना या नाराज होकर के पार्टी से कुछ न्यूट्रल हो जाना या पार्टी छोड़ देना एक अलग का विषय है, लेकिन तुरंत दूसरी पार्टी का दामन थाम लेना इससे जाहिर होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं का जो पूरा होना नेताओं को जिस पार्टी में रहते नजर नहीं आता, संभवतः दूसरी पार्टी उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी, ये उम्मीद लेकर नेता पार्टियां छोड़ रही हैं, पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं, टूट रहे हैं और जुड़ रहे हैं। सभी विषयों पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली साहब हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विचार व्यास जी जो कि कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है विचार व्यास जी आपका भी। और चूंकि एक तरफ विचार व्यास जी की कुछ पार्टी के नेता जितेंद्र श्रीमाली जी की पार्टी में और जितेंद्र श्रीमाली जी की पार्टी से विचार व्यास जी वाली पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे में उन नेताओं के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस विषय से किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह उनकी है, क्या महत्वाकांक्षा उनकी है। लेकिन एक बात विचार भाई, एक बात तो ये सामने आ रही है
कि चुनावी समय में जिन लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, ऐसे कांग्रेस में भी बहुत से नेता हैं जो कि बीजेपी में गए हैं और बीजेपी वालों से बड़ा ही लगाव, बड़ा ही मोह उनका दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले चुनाव तक ये मोह भंग हो जाएगा, ऐसा हरीश जी के बयान से साफ जाहिर हुआ। पहले वो बीजेपी में आए, टिकट मिला, चुनाव जीते, ठीक था, अब टिकट नहीं मिला तो वो अपने घर लौट आए हैं हबीबुर रहमान की तरह, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है और हर चुनावों में ऐसा अमूमन देखने को मिलता ही है जी। और जिस प्रकार से आपने हरीश मीणा जी के आज आने की बात कही, तो वो बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंसान कोई निर्णय ले लेता है और उससे उसके व्यक्तिगत जो भी उसकी सोच या समझ होती है, कई बार किसी को परखने में समझने में समय लगता है, कहीं पे आपको जगह नहीं मिलती है, काम करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। जनता को जितने काम आप करवा सकते थे, लोगों को जितने अधिकार दिला सकते थे, उस दृष्टि से देखा जाए तो दौसा काफी पिछड़ा हुआ जिला आज भी माना जाता है। तो ऐसे में उनके अंदर एक चिंता स्वाभाविक थी और वो शायद पूरी नहीं हो पाई, तो कांग्रेस में आकर के वो पूरी कर लेंगे, ऐसा उन्हें उम्मीद है। चलिए ठीक है, जितेंद्र शिमाली जी से मैं एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। शिमाली साहब, बात ये जो व्यास जी कह रहे हैं, ठीक है, आप इससे इत्तफाक रखें या ना रखें उसमें भी आप उसमें एड ऑन कर दीजिएगा, लेकिन मेरा प्रश्न दरअसल सीधा सा ही है कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ी फौज है दल बदलू नेताओं की, ये जो शब्द है दल बदलू बहुत ही सुनने में भी अजीब लगता है और चुनावी समय में ये बहुत कई बार सुनने को मिलता है, कई बार बोलना भी पड़ता है। हरीश मीणा, हबीबुर रहमान, सुरेंद्र गोयल, हालांकि वो और नेताओं का मैं नाम लूंगा जो पार्टी में नहीं किसी जुड़े हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पार्टी से वो नाराज है, पार्टी से नाराजगी एक अलग का विषय है, लेकिन तुरंत दूसरी पार्टी में निष्ठा दिखा देना, एक विचारधारा में जो उनकी निष्ठा थी वो तुरंत खत्म हो गई, ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? शिवाली साहब, ये क्यों ऐसा देखने को मिलता है हर बार चुनाव में और उसके बाद भी लोग पार्टियां उन्हें बुलाती हैं, ज्वाइन कराती हैं, उन्हें पता है कि अगले चुनाव में ये फिर चला जाएगा उसके बावजूद? देखिए, ये जब व्यक्ति धरातल के ऊपर रह करके जब पूरी तरह से काम करने में सफल नहीं हो पाता है, हाँ, और जब उसको लगता है कि मैंने ये काम किया नहीं और पार्टी ने उस आधार के ऊपर उसको न तो तवज्जो ज्यादा दी है और न पार्टी में टिकट दिया है, तो ऐसी स्थिति के ऊपर वो खुद के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। पर मैं आपको एक बात ही कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इस ये जो दल बदल जो होता है, तो दल बदल के अंदर उसके महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि उसके लिए पार्टी ने जब टिकट का निर्धारण हो रहा है तो वहां पर उस समय कितने झमेले है, अगर वो झमेले उससे वहां झमेले अगर चलते हैं तो उसमें फिर वो अपने आप को उसको वो नहीं एडजस्ट कर पाता है, तो वैसा रहता है। और जो हरीश मीणा जी की जो बात बता रहे हैं अभी, हरीश मीणा जी के बारे में जो बता रहे थे, हरीश मीणा जी पूरे 5 साल अपने खुद के क्षेत्र के अंदर बिल्कुल गए नहीं, वहां की जनता इस बात के लिए बार बार उन्होंने वहां पोस्टर लगाए कि हमारे ये सहकार नेता वो है नहीं, और उनको जब लगने लगा कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया चालू हो गई है, इसलिए उन्होंने अपने इस भविष्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से दूसरी पार्टी, उनको पता था कि मेरे ऐसे व्यक्ति का आसार आधार अगर कहीं रह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में रह सकता है। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि मैं तो शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा का था, मेरी घर वापसी हुई है। तो ये जो है उनको पता है कि ऐसा व्यक्तित्व मेरा रहेगा, मैं अपने ब्यूरोक्रेट्स के उस स्वरूप से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे इस व्यक्ति का स्थान केवल कांग्रेस में ही रह सकता है। और जैसे भी अब इनको देखने का आ रहा है कि कांग्रेस के लिए टिकट के लिए जिस प्रकार से सत्ता का संघर्ष चल रहा है, आज इनके लिस्ट निकलते हुए रोज शाम को स्टेटमेंट आता है कि आज निकलेगी, कल निकलेगी, कल निकलेगी, ये रोज हो रहा है, वो इस प्रकार का सत्ता का संघर्ष है त्रिपाठी जी। और जो अभी शैलजा जी के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगे, यहाँ जो उनके कार्यालय के अंदर 500 रुपए का स्टाम्प लेकर के किसी का नेता ने लगाया कि साहब इस प्रकार से हमसे मांगे जा रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, ये क्या दर है, और फिर एक एक व्यक्ति के लिए आपस में लड़ाई चल रही है, एक एक व्यक्ति के लिए वो जिस प्रकार से लामबंदी हुए हैं, मुख्यमंत्री बनने के जो लालसा उनके अंदर चल रही है वो सारी जनता देख रही है। मुख्यमंत्री बनने की लालसा होना गलत नहीं है, शिवाली साहब बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखता है किसी अपनी काबिलियत के दम पर वो रखता होगा, वो करना गलत नहीं है, लोकतंत्र का ये एक हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो दल बदलू नेताओं की हम बात कर रहे हैं, इन नेताओं का इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग ठगा महसूस करते हैं शिवाली साहब जब किसी व्यक्ति को वो चुन करके विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं और ये पद में पता चले कि वो व्यक्ति तो किसी और पार्टी में किसी और विचारधारा में अपनी निष्ठा रख रहा है,
तो फिर लोगों को ये थोड़ा धोखा सा महसूस होता है। विचार व्यास जी क्या कहेंगे, ये जो स्थितियां बन रही हैं अभी अभी कौन कौन से, मैं आ रहा हूँ शिवानी साहब, आ रहा हूँ आपके पास, फिर आऊंगा विचार व्यास जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। विचार जी और कौन कौन से नेता हैं ऐसे जो कि बीजेपी में, तो बहुत सारे नेताओं के टिकट कटे हैं और अभी बहुत सारे नेताओं की टिकट 69 सूची जो आएगी दूसरी वाली 69 सीटों की, उसमें भी बहुत सारे नेताओं के नाम नहीं होंगे और फिर उनकी भी नाराजगी होगी, तो और कितने लोग हैं आपसे संपर्क में जो आने वाले हैं कांग्रेस में? देखिए मैं आपके इस प्रश्न के जवाब पर भी आता हूं, लेकिन मैं पहले जो आदरणीय श्रीमाली साहब ने जो बात की कि पिछले 4 साल से 5 साल से जो हरीश मीणा जी नदारद थे, हाँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने कबूल कर लिया, हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल तक उनको क्यों नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं भाई, अपने क्षेत्र में या संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको लगने लगा था तो बात उनको बुला के पार्टी में पूछा गया और पार्टी ने उनको इस बारे में नोटिस दिया, उनको लगने लगा, इसलिए जब उनको लगने लगता है तो पता है कि इसका आधार सिर्फ कांग्रेस में हो सकता है, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। हरीश जी तो कार्य में शुरू से कांग्रेस ही रहा हूँ। दूसरा जिस प्रकार से दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर कांग्रेस में जिस प्रकार से लोग भाग रहे हैं और छीटाकशी हो रही है, आज लिस्ट आ रही है कल आ रही है, देखिए ये कांग्रेस का आंतरिक निर्णय है, कांग्रेस लिस्ट आज लाए चाहे कल लाए, और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक मूल्यों पे एक पार्टी ये चलती है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी बाहर निकाल दिया, आज इनके मंत्री कैबिनेट आपकी लिस्ट आने दो, अभी लिस्ट आने दो, आपकी आएगी तब देखिए, जब आपकी लिस्ट आएगी तब आप ये कहना, जो अभी लिस्ट आएगी कैबिनेट मंत्री लिस्ट निकलने से पहले विरोध पहले शामिल होने लग गए हैं लोग, आज ही हबीबुर रहमान ने ज्वाइन किया है कांग्रेस में, अभी तो लिस्ट आने दीजिए, और सब बेचारे लिस्ट आने से पहले वहां जिस प्रकार से जमावड़ा लग के बैठा है, आपको मैं बता दूं दूदू के टिकट को लेकर के आपस में पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है, एफआईआर दर्ज कराई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ, के साथ जिस प्रकार से आप ये तो अभी देखिए आप नहीं शिवानी साहब प्रदर्शन तो बीजेपी में भी हो रहे हैं, दिया कुमारी के समर्थक वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकट नहीं मिला जी टिकट दो, नारेबाजी हो रही है, ठीक है प्रदर्शन और नारेबाजी पत्थरबाजी लातभूत से चलना तो दोनों ही पार्टी में जारी है, लेकिन मसला यह है कि जो नेता लोगों की आस्था को लोगों की निष्ठा को झुठला रहे हैं, ऐसे नेताओं का क्या हश्र होना चाहिए ये दोनों ही राजनीतिक दल तय करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, एक दल सबसे पुराना दल है जो कि दंभ भरता है कि भारत की आजादी से पहले से वो राजनीति में है और बहुत कुछ भारत के लिए उन्होंने किया, 70 साल देश में राज किया, बहुत सारी चीजें हैं, और एक दल अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहता है, क्या दोनों ही दलों में ऐसे नेताओं की निष्ठा को पहचानने का दम नहीं है, क्या ऐसे नेताओं की निष्ठा को दल पहचान नहीं पा रहे, आंदोलन किए भूखे प्यासे रहे, मुझे दावा नहीं करते, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जब राहुल गांधी जी ने यह कहा, मुझे लगा कि शायद कुछ परिवर्तन होने की संभावना लग रही है, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि कांग्रेस के अंदर जो इस प्रकार से हवाई हेलीकॉप्टर बन के जो भी आएगा, हम उन हेलीकॉप्टर के तारों को काट रहे हैं, हाँ, पैराशूट नेताओं की बात, थोड़े दिन रुक जाइए, ये जो हेलीकॉप्टर के तार कितने दिन कटेंगे ये मालूम चल जाएगा, कि जिस प्रकार से आप ये वादा, आप ये बताइए जनता को कि यस हबीबुर रहमान जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं हम उनको टिकट नहीं देंगे, आप कहिए आप जो इस प्रकार से पाला बदल के निकलने वाले नेताओं के बैसाव के ऊपर खड़े मत होइए, उनके दम के ऊपर सरकार बनाने का सपना मत समझोइए, आप अपने जो 5 साल आपने अगर वास्तव में जनता के लिए काम किया है उनके आधार पर चलिए, सपनों की बात दल बदलू श्रीमान, दल बदलू नेता के आधार पर, दल बदलू नेताओं के आधार पर, उनकी बेसा के ऊपर सत्ता बनाने का सपना देखने वाले दल कभी सक्सेस नहीं हो सकता, झूठ बोला है, मेरा ये निवेदन है, सपने तोड़ दिए आपने, मेरा निवेदन ये है, हम तो कम से कम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इस प्रकार के जो दल बदलू समय में सरकार आपको बना के दिखाएंगे, सरकार के जो दल बदलू नेता है उनकी बैसाखियों के ऊपर आप सत्ता में आने का सपना मत समझोइए, नहीं ठीक है, ये बताइए विचार व्यास जी आप सत्ता में आए अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आप सत्ता में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नेताओं के दम पर आ पाएंगे, हरीश मीणा जो कि पिछले चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए, इस चुनाव में वो कांग्रेस में शामिल हुए, अगले चुनाव में राम जाने वो कौन सी पार्टी पकड़ेंगे, ऐसे नेताओं के भरोसे लोगों की निष्ठा पर कितना बड़ा आघात ऐसे नेता पहुंचाते हैं आपको जरा भी अंदाजा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी जिस प्रकार से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, आई एम यूजिंग द वर्ड हाईजैक, उन्होंने सारे हाईजैक तो सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, आपकी सूची को कर लिया, सीबीआई को हाईजैक, उम्मीदवार आरबीआई को हाईजैक, गांधी परिवार ने हाईजैक कर लिया, राफेल सौदे हाईजैक, उम्मीदवार रक्षा मंत्री को हाईजैक जाता है डील के दौरान, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी किया जाता है, आपकी सूची को हाईजैक कर लिया, आप आईटी को हाईजैक कर लेते हैं, इनकम टैक्स को यूज करते हैं, ईडी को हाईजैक करते हैं, आप क्या लिस्ट की बात करते हैं, आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते, आपने उम्मीदवारों की सूची लोगों को धक्का दिया है, कह रहे हैं आप, नुकसान पहुंचा है लोगों को, विचार भाई आप जो बातें कह रहे हैं आपकी बातों से लग रहा है कि आप सत्ता से शासन से नाराज है,
उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, सदन में जाइए, प्रदर्शन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, ये विपक्ष का काम है, ये विपक्ष का काम है और विपक्ष का धर्म भी है। पिछले 4-5 सालों में तो आप लोग सड़कों पर क्या दिखे नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाईजेक कर लिया। लेकिन मेरा मसला वही घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि आखिर ऐसे दलबदलू नेताओं पर कब तक पार्टियां निष्ठा दिखाती रहेंगी, आस्था दिखाती रहेंगी? ठीक है, वो आपके विरोधी दल से टूट कर आया है, सिर्फ इस वजह से आप उन्हें अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं, तो ये भी सोचना होगा दोनों ही दलों को। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता टूट करके बीजेपी में गए हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ठीक है, बीजेपी में पहुंचने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, वो अलग का विषय है। लेकिन होता है, एक बात मौजूदा ये बात है कि हम विपक्ष में हैं, ये पक्ष में थे, एकदम से सरकार से जो दल बदलू आते हैं उनको राजनीतिक पार्टियों को, चाहे हम तो खुद करें कि हम सब दलों को सोचना चाहिए कि उनको आते ही टिकट दे दें। इन बातों पर विचार निश्चित तौर पे करना चाहिए कि हम उनको आज पार्टी बदल के आया कल हम उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसे नेताओं पर जरूर पार्टी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को इन दल बदलू नेताओं की बैसाखियों पर सत्ता में आने का सपना नहीं सोचना चाहिए। अपने कामों के आधार पे, अपने विकास के आधार पे, अपने विचारधारा के आधार पे सत्ता में आने के सपने सजोने चाहिए। नहीं तो शिवाली साहब, मैं क्या उम्मीद करूं या लोग जो देख रहे हैं वो कैसे उम्मीद करें? पिछले चुनाव में हमने देखा, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा, जिन हरीश मीणा की हम बात कर रहे हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, जबकि उन्हें ज्वाइन किया ज्यादा समय नहीं हुआ था बीजेपी में आए हुए। क्यों शामिल किया कांग्रेस के अंदर? तब उस समय समझ में नहीं आया कि 5 साल ही कांग्रेस की सरकार में डीजीपी रहे हैं, तब क्यों लिया था उनको? तो ये ऐसी बातें नहीं है, देखिए इन पे विचार किया जाता है। बिल्कुल, कौन आदमी किस, ठीक है, मैं विचार जी आपके पास फिर लौटूंगा, शिवाली साहब मैं फिर लौटूंगा। मैं इस वक्त हमारे पास हबीबुर रहमान का बयान अभी आया है, हबीबुर रहमान जो कि अभी अभी उनकी निष्ठा में अचानक बदलाव हुआ है, क्या कह रहे हैं वो आइए सुन लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरी पास पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें मेरे पुराने साथी रघु शर्मा जी हमारे सांसद हैं अजमेर से, हमारी पार्टी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी, मुमताज मिश्रा जी जो हमारे पुराने माइनोरिटी को देखते हैं कांग्रेस पार्टी में, सभी मेरे साथीगण, कांग्रेस पार्टी से हमारा 1989 संबंध रहा है, जब मेरे पिताजी अजीत उस्मान, मुझे खुशी है कि मैं मेरे वाली साहब के पुराने घर और राजी जी ने जो मुझे कांग्रेस में लिया था स्वर्गीय रामनिवास जी मिठा ने फतेड़ा साहब ने, और उन्होंने जो शिक्षा दी थी, आज मैं फिर अपने पुराने घर में आ गया, मुझे खुशी है। जी शिवाली साहब, हबीबुर रहमान अब निष्ठा जो उनकी है वो कांग्रेस में है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनका पुराना नाता रहा है कांग्रेस से और बहुत ही अच्छा महसूस करें। रघु शर्मा भी वहां पर बैठे हुए थे जो कि उपचुनाव में जीते कांग्रेस के टिकट पर, और ये चीजें ठीक है समझ में आता है कि ठीक है आप पुराने नेता हैं, आपने गलती की, आपने अपने निर्णय पर आप विचार नहीं कर पाए। लेकिन विचार जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बात जब कोई नेता बोलता है कि मैंने फैसला लिया, मुझे फैसला गलत लगा, जैसा कि आपने भी जस्टिफाई किया, कई बार फैसला लेने में हो जाता है ऐसा कि आप ठीक से फैसला नहीं ले पाते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एरिया यानी एक, 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 एक विधानसभा का या एक लोकसभा जितने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के फैसलों में यदि गलतियां आती हैं और बार बार गलतियां आती हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे नेताओं को कम से कम, ऐसा नेता जो फैसला ले रहा है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर गलत फैसले ले रहा है तो फिर लोग किस पे भरोसा करें? देखिए इसमें आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वाजिब सवाल आपने किया है। मैं ये मानता हूं कि जनता माई बाप होती है, हाँ, और जनता जब अपने आप को अगर महसूस करती है कि जिस उम्मीदों से उसने उस व्यक्ति को चुना अपने क्षेत्र में, उसको सर्वोपरि बनाया और वो डिलीवर नहीं कर पाया, अब वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाया, या तो उसको सिस्टम से पूरा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर वो केपेबल ही नहीं था, वो काम करवाने ही नहीं जानता था, लोगों की बात को सही प्लेटफॉर्म पे रखना ही नहीं जानता था। जब ऐसा होता है तो लोग बहुत ही दुखी महसूस करते हैं अपने आप को। और देखिए अल्टीमेटली आप किसी को भी शामिल करें, अगर वो फिर से उस पार्टी में दोबारा से उस फेस बन के लोगों के बीच जाएगा, तो वो कितनी भी अगर जिसे कहना चाहिए चालाकी करने की कोशिश करेगा तो जनता उसको रिफ्यूज कर देगी, जनता खुद अपने आप उनसे जवाब तलब कर लेगी। ऐसी बात नहीं, हिंदुस्तान में आज भी
लोकतंत्र कायम है, लोग विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, और लोग बिल्कुल सामाजिक रूप से उसका खंडन कर देते हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ विशाल जी से, बता दें ये कि राहुल गांधी जी ने जो ये बात कही थी कि हेलीकॉप्टर से हम टिकट नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर से टपकने वाले नेताओं को टिकट नहीं देंगे, वो झूठ कहा जनता के सामने, ये बता दें, ये बता दें कि इसका मतलब ये है कि जनता के सामने जिस प्रकार से वोट लेने के लिए उन्होंने जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो गलत बातें कह रहे हैं जनता के बीच में जाके। आप एक तरफ तो कह रहे हो जनता माई बाप है और एक तरफ कह रहे हो कि साहब हम ये विचार विमर्श करके विचार जी शिवाली साहब को जवाब दीजिएगा आप। फिलहाल समय की कमी है, समय की कमी है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप दोनों ही खास मेहमानों का, और माफी भी क्योंकि आगे हम ज्यादा चर्चा को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय की कमी है। ठीक है विचार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की थोड़ी कमी है इस वजह से मैं और ज्यादा चर्चा में आगे इसे नहीं बढ़ा सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे दल बदलू नेताओं पर आप दोनों ही की पार्टी विचार करेगी और महत्वाकांक्षा लेकर के आने वाले नेताओं की पहले महत्वाकांक्षाओं को शांत कराया जाए, उसके बाद उन्हें जनता की सेवा करने के लिए आगे प्रशस्त किया जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितेंद्र श्रीमाली जी आपका, बहुत शुक्रिया विचार व्यास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में बातचीत करने के लिए इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। फिलहाल हल बोल में इतना ही, नमस्कार।